दिग्गज उद्योगपति नवीन जिंदल इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। नवीन जिंदल ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके बैंक अकाउंट में कुल 31,07,00,000 रुपए जमा है। कैश के तौर पर नवीन जिंदल के पास कुल 7,03,000 रुपए मौजूद है। नवीन जिंदल ने कुल 820,17,00,000 रुपए निवेश कर रखे हैं। जेवरात की अगर बात की जाए तो नवीन जिंदल के पास कुल 33,28,00,000 रुपए के जेवरात मौजूद है। अन्य संपत्ति की अगर बात की जाए तो 24,80,000 रुपए की अन्य मूल्यवान वस्तुएं नवीन जिंदल के पास है। इस तरह से नवीन जिंदल की कुल चल संपत्ति 886,74,00,000 रुपए के आसपास है। इसके अलावा नवीन जिंदल को विरासत में 229,06,00,000 रुपए विरासत में मिले हैं। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो नवीन जिंदल के पास कुल 6,94,00,000 रुपए की अचल संपत्ति मौजूद है। नवीन जिंदल ने अपने हलफनामे में पत्नी शल्लू जिंदल की भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में कुल 9,90,00,000 रुपए जमा है। कैश के तौर पर उनकी पत्नी के पास कुल 5,56,000 रुपए मौजूद है। इसके अलावा उनकी पत्नी ने कुल 92,71,00,000 रुपए निवेश कर रखे हैं। 8,83,00,000 रुपए के आभूषण उनके पास मौजूद है। अन्य संपत्ति यानी अन्य मूल्यवान वस्तुओं के तौर पर उनके पास कुल 2,03,00,000 रुपए की अन्य मूल्यवान वस्तुएं मौजूद हैं। इस तरह से नवीन जिंदल की पत्नी शल्लू के पास कुल चल संपत्ति 114,61,00,000 रुपए के आसपास है।